क्या बता रहा था? उस घर में एक जो एम्प्टी से स्पेस है ना बाहर एकदम खुला हुआ, उसमें रोज सुबह 6 बजे तक योगा और मेडिटेशन और हाफ एन आवर चलेगी रहेगी वेट एक्सरसाइज, वो चलेगी हंसी वाली। वहाँ चैनल किसी का कुछ बने ना बने पर एक आदमी का शरीर बहुत अच्छा खिलेगा। मैं तो सुबह सामने वाले पार्क में हूँ। बड़े भाई जब ए टू जेड से आए थे यहाँ भी ये सोच रहे थे शरीर बनेगा एक्सरसाइज होगी। यहाँ दिक्कत ये आएगी यहाँ ना वो मुझे खुला बड़ा माहौल जहाँ मेरा शरीर पूरा आराम से घूम जा, यहाँ बालकनी में वो गिर जाएगा छज्जा। जब यहाँ आए थे पार्क मांगे था पार्क 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 देखा है तुमने एक साल से मार रखी एक एक लड़का डेली मार रहा हूँ उल्टी बजा रखी अरे वहां रुका पड़ेगा कोई है भाई यहाँ तो छज्जों पे मैं तो यूं को लेके वो डंबल लेके मजदूरों की लाइन लगी पेट में भैया अभी जैम तो मेरे कच्ची ब्रेड पे दे दो हमारी जान सो एक तारीख को ले जाकर आए नगर अगर तीन अच्छा फोन गिरा मैं सोचा नीचे से निकल गया अरे मैं नहीं यार बहुत कुछ आयो तारे लिए तो कुछ नहीं आयो यार तुम गलत पकड़े जाओगे कभी किसी दिन किसी ने क्रॉप कर दिया पार्टनर का वो कहाँ गया तेरा बैग क्या भाई हाँ मैं तो अपने बैग में अपने उस अपने उसमें पूरा वो बनाऊंगा एक क्या बॉक्सिंग कमरे में कमरे में और बता कुंडा कहाँ से लाओगे तेरे पापा ने गिरवाया था वो दिल्ली वाला कुंडा पहले रूम बनते हुए बाहर टंगेगा मुझे पता कहाँ टंगेगा कहाँ बताने का भी नहीं उदी करके आए रूम छुपा के टांग लिए एक और से तू भी खाओगे ना हाँ मैं खाऊंगा हम तो वही अपना ब्रेड जैम ही नहीं है क्या ये ब्रेड है बीच में जैम है मर देगा बिस्कुट खा के ये भी तो मैदा ही होगी मैदा ही बता तू कैसा फील करे अपने बारे में लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव फील है लड़कियों की अब बता अब बता इस तरह जा अगर तू इस टाइम काम चूज कर लेता तो कामयाब हो गया था निकाल दी अंदर की मन की खत्म है जो तू इन दो चक्करों में लगा इस टाइम नशे में हूँ मैं नशे में बड़े भाई बड़ा बड़ा गुले गए बड़ा बड़े 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 साम्राज्य खत्म हो गए भाई और तू नु करके चली जा अब आदमी उसके पीछे सब भूल जा और अगर तुझे मैं दिखूं किसी लड़की के साथ कैफे पे बैठे हुए ऐसा हाथ पकड़े हुए फिर दिक्कत बहुत दिक्कत है पहला हूं बटवा बहुत ज्यादा दिक्कत तेरे तो बुझ भर देंगे तेरे तो मारेंगे सारे कपल को जोड़ के तुझे जरूर उठक बैठक करवा दूंगा मैंने यार वीडियोस देखी थी बहुत पहले यार बड़ा डिस्टर्बिंग सा फील हो वो सब देख के ना लड़की कह रहे लड़के कंधे बैटर फिर उठक बैठक लगाओ यार कितना एंबैरेसिंग होता है मतलब कितना अजीब लगे लाइफ ना भूल आदमी वो चीज अगर जिसके साथ कर दी और वे आदमी करवा रहे हो काम जिन्हें सालों को माँ से भी प्यार का मतलब नहीं पता अपनी जो घर पे माँ को माँ बहन की गाली देकर निकले सटीक एग्जांपल दे रहा तुझे मैंने ऐसे लड़के देखे जो अपनी माँ तक की अपने बाप को गाली देते थे जो हमारे बैच वही यूं कहते हैं हमारा कल्चर खराब कर रहा वैलेंटाइन डे हमारे बैच में हमारे साथ में बैठने वाले लड़के थे जो इस काम को किया कर रहे थे और भाई वही है लड़कियों को स्कूटी पर छिड़क रहे थे हाँ गुड मॉर्निंग मैडम जी वही तो दिक्कत है वही तो दिक्कत है ना जब तक दूसरा करे तब तक तो वे वैसे रहेंगे परेशान अब खुद ऐसे हो में थे लड़के अब भी हैं वही हैं वे सेंट बॉब्स एंड भाई देख अपने कल्चर रिलीजन और देश के नाम पे किसी भी देश में हो रहा हो वही आदमी रोक टोक करे जिसे खुद नहीं मिलता वो आदमी रोक टोक मचावेगा खाने के नाम पे पहनने के नाम पे मतलब जिसकी खुद की बुद्धि खराब होगी ना वो दूसरे कपड़ों में कमी निकाल लेगा मतलब मैं भी ये एक वीडियो में बोल चुका था कि यार नॉर्मल सड़क पे लड़की बिकनी में और बीच पे कहीं साड़ी में जी भी लगेगी वो ना कि एक जगह का पहनावा हो बट वैसे लड़की कुछ ही पहन के घूम रही हो यार कोई बिकनी में घूम रही हो कोई नॉर्मल घूम रही हो अगर आपके दिमाग में नहीं ना वो चीज आप नोटिस भी नहीं करने के क्लब में लड़कियां हर तरह के कपड़े पहने गए हैं आपके दिमाग में ही वो बदबू है आप वो ट्राई करना चाह रहे हो वो करना चाह रहे हो लड़की भाव नहीं दे रही तो आपको समझ आप ऐसा बोल लोगे ऐसा लड़के बोल भी दें या तो चार ही अटेंशन तभी तो उसके दिमाग में वो बात है क्योंकि उसे मिल नहीं रही अगले को एक बार बताओ यार अटेंशन तो हर आदमी को चाहिए किसे नहीं चाहिए अटेंशन हर कोई दूसरे के लिए कर रहा सामने वाले के लिए अगर मुझे किसी से अटेंशन ना चाहना मैं नंगा रह लूंगा एक ह्यूमन नेचर है कि भाई आदमी को सामने वाले की वैलिडेशन से ही अच्छा लगे तभी तो वो अच्छी घड़ी अच्छे कपड़े अच्छा फोन सोशल मीडिया बनाई वैलिडेशन सोशल मीडिया इसीलिए पूरे उस पे बेच दे तो तुम ऐसा कैसे कह रहे अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि लड़की अटेंशन के लिए जा रही है तो लुंगी में चला जाना क्लब में फिर लुंगी में हेड पहन के चला जाना ठीक है
मतलब अगर भाई कोई लड़की अच्छी दिख रही है, अट्रैक्टिव दिख रही है और वो कोई कपड़े कैरी कर पा रही, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हो। हाँ, वही तो कहना चाह रहा मैं। अगर मुझे, मैं लड़की हूँ ना इस टाइम, इसी सोच के साथ अगर वन पीस मिल जा, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं, मैं कैरी कर लूं। लड़की तो एक तो कॉन्फिडेंस से जाओगी, मतलब उसे खुद को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे तुम कह कह के उसे जो फील करवा दे रहे, वो दिक्कत है ना। ये वन पीस कैसा होगा इसमें? बेल्ट आएगी तीन। बहुत बड़ी बात है कि कोई अपनी बॉडी फिगर के साथ बड़ी कॉन्फिडेंट है, अच्छे से कैरी कर रही है। मतलब हमारे तो कपड़े ऐसे ही कि साला अगर हमारे यहाँ से रिवील हुआ करता तो साली टेंशन इसे पहले पता लगाने की होती। रिवील तो इस बात में करते ना, आज तो डीएम फुल हो गया यार। ये तो है, लेकिन ये तो है, लड़कियां कॉन्फिडेंस तो कैरी कर सके, मुझे कब कैरी करेंगी। अब मैं सोच रहा है कि मैं भी कॉन्फिडेंस ले लूं कि लड़कियों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दूं। गया, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। अच्छा या वो करे गाड़ी साइड में लगा के बैठ लो जी।